आवास पटल बाबू ने कर दिया खेला, गायों का खा गए भूसा। ग्राम प्रधान ने एसडीएम से की शिकायत। योगी सरकार के नियमों को खुलेआम ठेंगा दिखाते बाबू साहब। कमीशन बा अवैध राशि की वसूली कर बाबू मस्त विकलांग त्रस्त। ब्लॉक के अधिकारियों ने किया मौन धारण। विकलांग आवास के साथ साथ गोवंशों के भूसा के लिए भेजी गई धनराशि में भी खूब हुई हेराफेरी। बाबू साहब ने हेराफेरी कर जमकर खाई मलाई। बाबू ने अर्जित की है आय से अधिक संपत्ति। विकलांग आवास से तू वसूली गई अवैध राशि अभी तक नहीं की गई वापस। जिसने दिया अच्छा कमीशन उस गांव में भेजा गया गोवंशों का भूसा का पैसा। बाबू के नए नए कारनामे आ रहे सामने। खंड विकास अधिकारी ने पूर्व की शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाला। अब तक नहीं की गई कोई कार्रवाई। उप जिलाधिकारी से हुई शिकायत। ग्रामवासियों ने उप जिलाधिकारी से लगाई न्याय की उम्मीद। आपको बता दें मामला जालौन जनपद के कोच ब्लॉक के ग्राम पंचायत सतोह का है। यहां पर एक ऐसा आवास पटल बाबू है जो आज दिन तक लंबे समय से खेला करता आ रहा है। कभी गायों के भूसे में खेला कर रहा है तो कभी आवास में खेला करता है। लेकिन अधिकारी भी सिर्फ जांच का हवाला देते हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ग्राम प्रधान ने एसडीएम से न्याय की उम्मीद लगाई है। क्या नाम है आपका? हरिकिशोर पटेल। कहाँ के हैं? सतोई। आज आपने एसडीएम से शिकायत की है, किस संबंध में शिकायत की है? ये हमने गोवंश के लिए भूसा में जो भ्रष्टाचार किया है वेपन साय ने जनवरी फरवरी माह में मार्च में किन्हीं गांव में जाना डाला पैसा किसी में कम उनसे पैसा लेकर। और दूसरा आवास का मामला है ही। क्या आवास का क्या है आवास? अति विकलांग को आवास नहीं मिला। नहीं तो किसने नहीं दिया, क्या कारण रहा है? ये जुबिन बाबू ने डिमांड जो भेजी है और रही उस डिमांड के आधार पर स्वीकृत करा लिए उन्होंने अपनी मनमानी तरीके। तो क्या कुछ पैसे से मांग रहे क्या? पैसे लेकर तो किए ही सर। कोई प्रभावशाली बाबू है उसकी कोई जाँच ही नहीं करता है। हम आप क्या चाहते हैं? हम उच्च अधिकारियों से जाँच की मांग कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने आए हैं, उच्च अधिकारियों से मांग उनकी जाँच हो, दंडात्मक कार्रवाई हो।